गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का होगा शपथ ग्रहण समारोह। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मिलेगी जगह। नितिन पटेल के नाम पर बना संशय। पीएम मोदी ने इंजीनियर्स डे की दी बधाई। बोले, पृथ्वी को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में गुरमीत सिंह ने ली शपथ। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आरएस चौहान ने दिलाई शपथ। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद राज्यपाल बने गुरमीत सिंह। यूपी में अब्बा जान के बाद चाचा जान पर बवाल। किसान नेता राकेश टिकैत के चाचा जान वाले बयान पर भड़की। एआईएमआईएम ने किया पलटवार। कहा, टिकैत ने बीजेपी को जिताने का काम किया। आम आदमी पार्टी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ उतारा उम्मीदवार। आपके पूर्व अध्यक्ष एसएस कलेर लड़ेंगे खटीमा से सीएम के खिलाफ चुनाव। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हुई सुनवाई। ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के लिए सिफारिशों पर सरकार के रुख से सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। केंद्र को भेजा नोटिस। कल तक टली सुनवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। प्रदूषण के चलते इस साल भी रहेगा पटाखों पर बैन। बीजेपी ने पूछे केरल के सीएम पिनराई विजयन से सवाल। कहा, आपको किससे डर? आतंकवाद और लव जिहाद पर चुप क्यों हैं आप? केरल में लव जिहाद और आतंकवाद को लेकर कैथोलिक बिशप जोसेफ कल्लारंगत के बयान से मचा हंगामा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी सिंगल डोज वाली कोविड 19 वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण को मंजूरी। भारत में जल्द आएगी स्पूतनिक लाइट। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 27,176 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस 3,51,000 हुए। बुल्गारिया में 14 नवंबर को होंगे नए संसदीय चुनाव। राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने किए संसदीय चुनाव कराने के लिए हस्ताक्षर। नेशनल असेंबली को किया गया भंग। अफगानिस्तान में नहीं चलेंगे रेडियो, प्रिंट और टीवी चैनल। तालिबान ने 153 अफगान मीडिया संस्थानों पर जड़े ताले। आगे और भी संस्थानों के बंद होने के दिए संकेत। अमेरिका वाइस ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जॉन ई हाइटन ने दी चेतावनी। अगर रूस या चीन के साथ हुआ युद्ध तो खत्म हो जाएगी दुनिया। लंबे समय से बना है अमेरिका रूस और चीन में विवाद। परमाणु औजार से लैस हैं तीनों देश। संयुक्त राष्ट्र ने की सभी देशों से अपील। कृषि सब्सिडी में बदलाव की जरूरत। विचार करें सरकारें। तालिबान ने लगाई गुहार। कहा, अब प्रतिबंध हटाइए। अमेरिका समेत सबके साथ काम करने को तैयार। आज से ओला ई स्कूटर की बिक्री शुरू। ईएमआई पर भी ले सकेंगे स्कूटर। कंपनी की वेबसाइट पर आई दिक्कत के चलते पिछले हफ्ते रोकी गई थी बिक्री। टाटा ग्रुप में होने जा रहा है बदलाव। कंपनी की लीडरशिप स्ट्रक्चर को किया जा रहा रीऑर्गेनाइज। कंपनी में जल्द बनाए जा सकते हैं सीईओ। सुपरस्टार रजनीकांत के फैन ने दी बकरे की बलि। खून से किया रजनीकांत की आने वाली फिल्म अन्नाथाई के पोस्टर पर अभिषेक। ट्विटर पर वायरल हुआ वीडियो। थलाइवी के बाद देवी सीता के रूप में सीता द इंक्रीशन में नजर आएंगी अभिनेत्री कंगना रनौत। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर जाहिर की खुशी। कहा, बचपन में भी कर चुकी हैं ये रोल। कंगना के पहले करीना कपूर को दिया गया था रोल। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए गौतम गंभीर ने चुने टीम इंडिया की प्लेइंग 11। अश्विन की जगह मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को चुना।